हेलो फ्रेंड्स, एनटीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं एनटीसी न्यूज। एनटीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है स्पेशल चटपटी और खास स्टोरीज। तो दोस्तों, देखते हैं आज एनटीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। जब करिश्मा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तो उनकी एक्टिंग और खूबसूरती ने करोड़ों को अपना दीवाना बना लिया था। करिश्मा ने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। करिश्मा के अनुसार उनके 4 महीने की बेटे की तबीयत खराब थी, जिसके कारण वह पति के साथियों के ट्रिप पर नहीं जा सकी थी। इससे संजय बेहद नाराज हुए और अकेले ही चले गए। बाद में करिश्मा यूके पहुंची तो संजय रात रात भर गायब रहते थे। उन्हें अपने बेटे की तबीयत से कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए गोल्फ खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण था। हनीमून के दौरान ही करिश्मा के सामने संजय अपने भाई के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि करिश्मा कितने पैसे ला सकती हैं। इससे करिश्मा चकित रह गई। एक बार संजय ने करिश्मा से अपनी माँ द्वारा दी गई ड्रेस पहनने को कहा। क्योंकि करिश्मा प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह ड्रेस उन्हें फिट नहीं हो रही थी। ये देख संजय बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अपनी माँ को करिश्मा को थप्पड़ लगाने के लिए कहा। जय अक्सर करिश्मा से दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट भी करते थे। चोट के निशान करिश्मा मेकअप के सहारे छिपाती थी। संजय की माँ की इसमें मौन स्वीकृति थी। करिश्मा के अनुसार वे अपने पति के लिए महज एक ट्रॉफी थी और ये शादी उनके लिए ट्रॉफी जीतने समान था। शादी के पहले भी संजय ने करिश्मा की माँ बबीता से बदतमीजी की थी। इससे करिश्मा ने शादी नहीं करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। रणबीर कपूर इस शादी से कभी खुश नहीं थे। रणबीर के अनुसार उनका दामाद कितना अय्याश है, ये बात पूरी दिल्ली जानती है। करिश्मा ने ये भी बताया कि हनीमून के दौरान संजय अपने भाई से चर्चा कर रहे थे कि करिश्मा कितने पैसे ला सकती है। करिश्मा ने बताया कि जब वो हनीमून पर गई थी तो संजय ने अपने दोस्त से उनकी कीमत लगाई थी, जो करिश्मा को सहन नहीं हुआ।